द बुचर ऑफ बंगाल। वीडियो का टाइटल सुनकर शायद आपके माइंड में पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान का नाम आया होगा, जिन्होंने 1971 के वॉर में ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत 3 लाख से 30 लाख बंगालीज का किल किया था और 2 लाख से 4 लाख बंगाली वुमेंस का रेप किया था जब ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश। पर आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं एक अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री में बुचर ऑफ बंगाल के बारे में, जो कि यूनाइटेड इंडिया के टाइम पे था जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था और इंडिया का पार्टीशन भी नहीं हुआ। उस बुचर का नाम है विंस्टन चर्चिल। बंगाल फेमाइन, जो कि एक मैन मेड फेमाइन था, वो उस टाइम के यूके गवर्नमेंट के फेल्ड पॉलिसीज और सिटिंग पीएम विंस्टन चर्चिल की पॉलिसीज की वजह से हम भारतीयों के ऊपर हुआ था, एक आर्टिफिशियल मैन मेड फेमाइन। साथ ही हम ये देखेंगे कि विंस्टन चर्चिल कितना ज़्यादा रेशली हेट करता था इंडियंस को। तो बात है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम की, जब वर्ल्ड वॉर टू अपने पीक पे था 1941 से 1943 के बीच में, बंगाल फेमाइन ओकर हुआ था। इस फेमाइन में एस्टिमेटेड 30 लाख से लेके 38 लाख बंगालीज की डेथ हुई थी उस टाइम पे। अगर हम उस टाइम के सिनेरियो को देखें तो हिटलर लेड नाजी जर्मनी उस टाइम पे कहीं ना कहीं फ्रंट में थी और यूके और अलाइड फोर्सेस बैकफुट पे थे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे। साथ ही यहाँ एशिया में बर्मा कंट्री, जो कि मॉडर्न टाइम में म्यांमार हो चुका है, वो कंट्री के ऊपर जापानीज फोर्सेज ने कब्जा कर लिया था। अब देखिए, आज का म्यांमार और उस टाइम का बर्मा कंट्री बंगाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एज बंगाल अपना राइस ट्रेडिंग और बाकी ग्रेन्स की ट्रेडिंग के लिए कहीं ना कहीं बर्मा कंट्री पर डिपेंड करता था। जब बर्मा जापानीज के कंट्रोल में आ गया तो ट्रेड बंगाल और बर्मा के बीच में कट डाउन हो गया, एज जापान जो था वो एक्सेस पावर में था और एलाइड पावर्स में यूके था, और कहीं ना कहीं बंगाल भी एज कॉलोनाइज था बाय ब्रिटिश, तो वो भी एलाइड पावर्स में ही आ गया। काफ़ी डिकेड से ब्रिटिश के कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से बंगाल का जो ग्रेन प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था, और साथ ही में काफ़ी सारे साइक्लोन्स और टाइडल वेव्स उस टाइम पे नेचुरल डिजास्टर के रूप में बंगाल के ग्रेन प्रोडक्शन को हैम्पर कर रहे थे। ये सारे सिचुएशन जो कि हैं कि बंगाल का ट्रेड स्टॉप होना बर्मा कंट्री से, साथ ही में नेचुरल डिजास्टर्स, ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसीज, ये सब कंबाइन होकर बंगाल फेमाइन के रूप में बाहर आए। पर ऐसा नहीं है कि उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि बंगाल में है, उसे ये पता नहीं था कि बंगाल में फूड शॉर्टेज होने वाली है। इसको सॉल्व करने के लिए उसने जब अपने लंदन की यूके गवर्नमेंट से हेल्प मांगा तो यूके गवर्नमेंट ने यूएसए से शिप्स बोरो करके ऑस्ट्रेलिया से ग्रेन सप्लाई करना चाहा बंगाल को। जो बंगाल का सप्लाई बर्मा से कट हो गया था उसे फुलफिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की हेल्प लेनी चाहिए। फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर फूड सप्लाई कहीं और से सब्स्टिट्यूट करके फुलफिल कर दिया गया था तो फेमाइन कैसे ओकर हुआ बंगाल। देखिए, जब यूके की भेजी हुई शिप्स ऑस्ट्रेलिया से ग्रेन्स लेके निकली तो उनका पहला प्लान यही था कि वो कैलकाटा पोर्ट पर डॉक करेंगे और फूड शॉर्टेज को सॉल्व कर देंगे। पर फिर पता नहीं विंस्टन चर्चिल लीड गवर्नमेंट, जो कि लंदन में थी, उसके प्लान्स में क्या, पॉलिसीज में क्या चेंजेस आए कि उन्होंने उस शिप्स को ग्रीस की ओर डाइवर्ट कर दिया। ग्रीस कंट्री, जो कि प्रेजेंट है मॉडर्न टाइम में साउथ में यूरोप के, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू का एक एपिसेंटर वो भी था, और ग्रीस के सोल्जर्स के लिए फूड सप्लाई की कमी ना हो इसलिए वो शिप्स को ग्रीस भेज दिया गया। आप ये भी जान लीजिए कि ग्रीस जो है वो अलाइड पावर्स में था उस टाइम पे। पर ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे जो सोल्जर्स ग्रीस में लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर टू में, उनके पास फूड की कोई शॉर्टेज थी। ये फूड का जो स्टॉक था, जो कि शिप्स द्वारा आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से, इसे एज अ प्रोविजन उस टाइम पे स्टोर किया गया था। प्रोविजन का मतलब है इन केस अगर फूड की शॉर्टेज हुई तो ये जो फूड जो कि स्टॉक किया गया है करंट में, उसे यूज़ कर लेंगे। उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो कि इंडिया में थे और साथ ही में जो प्राइमरीली बंगाल में थे, उन्होंने और जो यूके के अपने ऑफिशियल्स थे लंदन में, उन्होंने चर्चिल गवर्नमेंट को रिपोर्ट के थ्रू बंगाल की सिचुएशन बताना चाहा कि कैसे बंगाल की स्ट्रीट पे लाशें ही लाशें थी उस टाइम पर। विंस्टन की गवर्नमेंट ने सारे ही रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से 38 लाख बंगालीज की डेथ हुई उस टाइम। आप सोच रहे होंगे कि विंस्टन गवर्नमेंट को अगर सब पता था बातें बंगाल की सिचुएशन के बारे में, तो उन्होंने क्यों उसको नज़रअंदाज किया। देखिए, अगर मैं कहूं कि विंस्टन हम इंडियंस और स्पेशली हिंदूज के लिए वही था जो कि हिटलर ज्यूज के लिए था, तो ये एक ओवर एग्जेजरेशन नहीं होगा। इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए मैं चर्चिल के कुछ सेंटेंस को कोट करूंगा, जिसे आप देख सकते हैं कि उसकी थिंकिंग कैसी थी इंडियंस को लेकर, स्पेशली हिंदू इंडियंस को लेकर। चर्चिल ने एक बार कहा था कि इंडियंस आर बीस्टली पीपल विद देयर बीस्टली रिलीजन, का मतलब यह है कि भारत के लोग जंगली हैं और उनका धर्म भी जंगली है। उस टाइम की मेजोरिटी ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन हिंदू धर्म को फॉलो करती थी, तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो विंस्टन था उसके अंदर सिर्फ नॉर्मल रेशियल हेट्रेड नहीं था इंडियंस और एशियंस के लिए, बल्कि उसके मन में एक रिलीजन हेट्रेड भी था, स्पेशली इंडियन हिंदूज़ के लिए। मैं रेशियल हेट को नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे यूरोपियंस का अफ्रीकन और एशियंस के लिए रेशियल हेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब अगली जो कोट है विंस्टन चर्चिल की इंडियंस के लिए, वो एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड कोट है। जब उसे बोला गया था बंगाल फेमाइन के ऊपर कुछ बोलने के लिए, तब उसने बोला था, फेमैन और नो फेमैन, इंडियंस ऑलवेज ब्रीड लाइक रैबिट। थर्ड कमेंट विंस्टन का रिटर्न कमेंट है इंडियंस को लेके, जब उसे रिपोर्ट सबमिट किया गया था बंगाल की सिचुएशन के बारे में कि कैसे यहाँ पे लोग बिना फूड ग्रेन्स की डेथ हो रही है बंगाल के स्ट्रीट्स पे, तब उसने रिपोर्ट के टॉप हेड पे ये चीज़ लिखा था, वाई इज़न गांधी डेड येट, मतलब कि अगर इतने लोग भुखमरी से मर रहे हैं तो अब तक गांधी क्यों जिंदा है। हालांकि ये लास्ट रिमार्क कंट्रोवर्शियल है कि विंस्टन चर्चिल ने
गांधी जी के बारे में कहा था कि नहीं कहा था, पर आप बाकी दो रिमार्क्स को एड्रेस करके ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि विंस्टन चर्चिल की सोच कैसी थी इंडियंस को लेके। एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि वो विंस्टन चर्चिल जो कि रिस्पॉन्सिबल है 38 लाख बंगालीज़ की डेथ के लिए, उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए 1945 में नॉमिनेट किया गया था। हाउ आयरोनिक इजंट इट। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे वर्ल्ड टॉप 10 डिक्टेटर्स विद मोस्ट किलिंग्स तो एक वेबसाइट सामने आएगी। अगर उस वेबसाइट में जाके आप रैंकिंग चेक करेंगे तो अगर हम टॉप 5 डिक्टेटर्स को छोड़ दें तो उनके नीचे के जो भी डिक्टेटर्स हैं उनकी किलिंग्स 4 मिलियन यानी कि 40 लाख से कम ही है। आपको नहीं लगता कि विंस्टन चर्चिल इस लिस्ट में 5th या 6th या 7th पोजिशन पर तो पक्का आ ही जाएगा? एज वो हम भारतीयों के लिए तो डिक्टेटर ही था, भले ही वो यूके का इलेक्टेड पीएम था, बट हमारे लिए तो वो किसी डिक्टेटर से कम नहीं था। आपके पास टाइम होगा तो आप इस लिस्ट को जाके ज़रूर चेक करिएगा गूगल पे, आपको काफ़ी सारे हिस्ट्री की नॉलेज मिलेगी, साथ ही में काफ़ी सारे डिक्टेटर्स के बारे में भी बहुत कुछ जानने मिलेगा कि कैसे उन्होंने कितनी ज़्यादा किलिंग्स की थी हिस्ट्री में। तो ये था हमारा एनालिसिस बंगाल फेमाइन के बारे में और विंस्टन चर्चिल के भारत के लोगों के बारे में जो व्यूज़ थे उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर वीकली हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड कंटेंट।